जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह जादव ना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन अप्रैल 2018 के अंक की, और सबसे पहले चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। ऋतु सरीन है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कार्यकारी संपादक अन्वेषण ऋतु सरीन को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया है। और सरीन को यह सम्मान अपराध कार्यों की जांच, राजनीतिक हत्या, आतंकवाद मामले में धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य करने के लिए दिया गया है। अलेक्जेंडर मिसुरकिन और दूसरे इनके एक साथी हैं एंटन सप्लेरोव, और इन लोगों ने 2 फरवरी 2018 को 8 घंटे व 13 मिनट अंतरिक्ष चहलकदमी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो अंतरिक्ष में चहलकदमी का जो रिकॉर्ड था वो 8 घंटे 7 मिनट का था, तो ये 5 मिनट एक्स्ट्रा पहले से जो पहला रिकॉर्ड था हमारा 8 घंटे 7 मिनट का, उससे ये 5 मिनट ज़्यादा इन्होंने चहलकदमी की है। अनिरुद्ध वासुदेवन साहब हैं, पेरुमल मुरुगन के तमिल उपन्यास मधुरु बगन के अंग्रेजी अनुवाद संस्करण वन फॉर वुमेन के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2016 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे उन्होंने 29 जनवरी 2018 को लेने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। वन पार्ट वुमन के लिए इनको पुरस्कार मिला था और ये मधुरु बगन का अंग्रेजी संस्करण था। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 177 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे धनाढ्य मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू साहब, और सबसे धनाढ्य तो ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 177। दूसरे पेमा खांडू साहब भाजपा के, अरुणाचल प्रदेश के हैं, और तीसरे नंबर पे अमरिंदर सिंह कांग्रेस के आते हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब माणिक सरकार थे जो अब नहीं है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल की, महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पर थी जो सबसे कम परिसंपत्ति है जिनके पास। तो अभी फ़िलहाल में अगर देखेंगे तो नंबर वन पे सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। खालिदा जिया क्यों मशहूर हैं इस समय देख लेते हैं। 5 वर्ष की सज़ा मिल गई है, ये सेना के जियाउर रहमान की पत्नी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को यहाँ की एक अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में 8 फरवरी 2018 को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई है। विदित हो कि यह सज़ा दुनिया भर के अनाथ बच्चों के लिए जमा की गई 21 मिलियन टका वहाँ की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और 21 मिलियन टका के दुरुपयोग का है। कोर्ट ने सुश्री जिया को 2001-2006 के दौरान प्रधानमंत्रित्व काल में जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट को मिलने वाले ये जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया था इन्होंने। ये जब अपना प्रधानमंत्री थी जब ये बांग्लादेश की, तब इन्होंने एक और ये है ट्रस्ट है जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट, उसको जो पैसा मिला था उसका दुरुपयोग किया था जिया ने, इसी की वजह से इनको 5 वर्ष की सज़ा मिली हुई है। नियुक्तियाँ कुछ देख लेते हैं। किरण मजूमदार शाह हैं, ये जैव प्रौद्योगिकी उद्यमी और बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD किरण मजूमदार शाह को 25 जनवरी 2018 को अमेरिकी भारतीय व्यापार परिषद, अमेरिकी भारतीय व्यापार परिषद यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC 18 के 24 सदस्यीय बोर्ड सदस्यों में शामिल किया गया है। तो USIBC 18 के 24 सदस्यीय जो बोर्ड है उसमें शामिल किया गया है किरण मजूमदार शाह को। कृष्णा कुमारी ये काफ़ी मशहूर रही थी, और ये क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP द्वारा नामित उम्मीदवार कृष्णा मुरारी 3 मार्च 2018 को पाकिस्तान के उच्च सदन सीनेट, हमारे यहाँ उच्च सदन क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते, वहाँ के उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं, उच्च सदन सीनेट के लिए होने वाले चुनाव में पहली हिंदू महिला सांसद बनाई गई हैं, और ये मौजूदा हालत में वहाँ की सांसद भी हैं। KP शर्मा ओली साहब CPN UML नेता खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने 15 फरवरी 2018 को काठमांडू में नेपाल के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। वे नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री हैं। KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ओके। और
कपिल कपूर साहब, कपिल कपूर साहब ये IIAS शिमला के अध्यक्ष बन गए हैं। अनुभवी शिक्षाविद कपिल कपूर शिमला स्थित भारतीय प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी IIAS के अगले अध्यक्ष होंगे। ये जो वाइसरीगल हाउस है शिमला में, जहाँ पे वाइसराय रहता था गर्मियों में, उसी में ये स्थित है IIAS, उसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं कपिल कपूर साहब को। नेफ्यू रियो उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले ये MLA हैं, सिरिल रामफोसा, मतमैला सिरिल रामफोसा ने 15 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तो दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। दिनेश श्रीवास्तव न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स CEO, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के CEO बनाए गए हैं दिनेश श्रीवास्तव को, NFC का CEO। चंद्रशेखर कुबारा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, साहित्य अकादमी जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्रशेखर कुबारा। कन्नड़ लेखक हैं और साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बनाए गए। एन गोपाल स्वामी, उच्च शिक्षा से संबंधित 20 संस्थानों के चयन हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया गया है एन गोपाल स्वामी को। ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एन गोपाल स्वामी। निधन देख लेते हैं, मोर्ट वार्कर साहब का निधन हो गया और ये बीटल वैली कार्टून के रचनाकार और सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मोर्ट वार्कर की 27 जनवरी 2018 को स्टैम्फोर्ड में 94 वर्ष की आयु में निमोनिया से निधन हो गया। श्रीदेवी, इनका असली नाम अम्मा अयंगर अय्यप्पन था, इनका भी निधन हो गया। ये तो काफ़ी चर्चा में रही थी जब इनका निधन हुआ था। श्री गुरुचरण सिंह कालकट, ये पंजाब में सोयाबीन क्रांति के जनक माने जाते हैं। आसमा जहांगीर, ये पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, इनका भी निधन हो गया है और इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हुए थे, जैसे कि हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और फ्रांस का ऑफिसर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड। ये तमाम सारे अवार्ड इनको मिले हुए थे आसमा जहांगीर को। गांधीनगर, ये जयपुर में पड़ता है गांधीनगर, एक रेलवे स्टेशन है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है और इससे पहले माटुंगा था जो सब अर्बन कैटेगरी का था, ये भी महिलाओं के द्वारा था। सबसे पहला जो माटुंगा था ये महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन ये सब अर्बन कैटेगरी का था और गांधीनगर जो है रेलवे स्टेशन ये अर्बन कैटेगरी का है। मुंबई 12वां सबसे अमीर शहर है, एक न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि कौन शहर सबसे अमीर है। तो नंबर 1 पे हमारा न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पे लंदन है और नंबर 3 पे टोक्यो है जापान का, और मुंबई का स्थान 12वां आता है, 12वां स्थान मुंबई का आता है सबसे अमीर में। $950 अरब के साथ में मुंबई 12वें स्थान पर है इस लिस्ट में। और पुस्तकें देख लेते हैं, कुछ हमारी मशहूर पुस्तकें, अप एंड डाउन, द राइजिंग एंड फॉल ऑफ द आम आदमी पार्टी, मयंक गांधी और श्रेय शाह ने लिखा है। अप एंड डाउन आपको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, इसका पूरा नाम है अप एंड डाउन द राइजिंग एंड फॉल ऑफ द आम आदमी पार्टी, मयंक गांधी और श्रेय शाह ने लिखा है। बोर्न टू बी हैंग्ड, सईदा हमीद ने लिखा है बोर्न टू बी हैंग्ड पोलिटिकल बायोग्राफी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, सईदा हमीद। लाइफ अमंग द स्कॉर्पियंस, मेमोर ऑफ अ वुमन इन इंडिया पॉलिटिक्स, ये जया जेटली ने इस पुस्तक को लिखा, लाइफ अमंग द स्कॉर्पियंस, जया जेटली। नमन नर्मदा, ये डॉक्टर आलोक मेहता हैं, इन्होंने बुक लिखा है एग्ज़ाम वॉरियर, ये बहुत ही फेमस बुक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है बुक एग्ज़ाम वॉरियर। सिटीजन दिल्ली, ये शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने ये बुक लिखी है। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर की बुक है, ये प्रसिद्ध हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं संजय मांजरेकर, इन्होंने बुक लिखी है इम्परफेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सुनीता नारायणन की बुक है, काफ़ी मशहूर बुक है। वाई आई एम ए हिंदू, शशि थरूर, फेमस कांग्रेसी लीडर हैं शशि थरूर साहब,
इन्होंने बुक लिखी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, रोमिला थापर हिस्टोरियन है, रोमिला थापर इन्होंने बुक लिखी है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं, सौमित्रो चटर्जी लीजेंड डी ऑनर, ये फ्रांस सरकार का अवार्ड है, ये सौमित्रो चटर्जी को मिला है। सुप्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्रो चटर्जी को ये पुरस्कार दिया गया। अभिनेता बाफ्टा पुरस्कार देख लेते हैं, बाफ्टा ये 71वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार जो बाफ्टा है वो दिया गया है। इसमें सबसे अधिक 5 पुरस्कार आपराधिक पृष्ठभूमि पर बनी 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी फिल्म को मिला है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार 5 पुरस्कार मिले हैं, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी को दिए गए हैं, और बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार 5 पुरस्कार 3 बिलबोर्ड्स को मिले हैं, और बेस्ट फिल्म का भी पुरस्कार इसी फिल्म को मिले हैं। बेस्ट अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वो गैरी ओल्डमैन को मिला है डार्केस्ट आवर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो मिला है वो फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है 3 बिलबोर्ड्स के लिए, और निर्देशक का पुरस्कार बेस्ट जो डायरेक्टर है इसका अवार्ड मिला है गुइलेर्मो डेल द शेप ऑफ वाटर के लिए मिला है, द शेप ऑफ वाटर के लिए मिला है। ग्रेमी अवार्ड देख लेते हैं 2017 किसको मिला है, सर्वाधिक 6 पुरस्कार ब्रूनो मार्स को मिले हैं, ब्रूनो मार्स, और एल्बम ऑफ द ईयर 24K मैजिक ये भी ब्रूनो का है इसको मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये भी 24K मैजिक ब्रूनो का है इसको मिला, सॉन्ग ऑफ द ईयर दैट्स व्हाट आई लाइक को मिला। वीरता पुरस्कार देख लेते हैं, अशोक चक्र कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को मिला, कीर्ति चक्र मेजर विजय कांत विष्ट को मिला है, अशोक चक्र कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला और कीर्ति चक्र मेजर विजय कांत विष्ट को मिला है। कुछ अन्य देख लेते हैं, हाइपर लूप ये पुणे से मुंबई के बीच हाइपर लूप बनाया जाएगा। लॉस एंजल्स स्थित वर्जिन हाइपरलूप वन ने 18 फरवरी 2018 को महाराष्ट्र सरकार के साथ पुणे से मुंबई के बीच हाइपरलूप को जोड़ने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। देखें क्या होता है हाइपरलूप। हाइपरलूप इस तकनीकी से वर्ष 2024 तक 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी स्पीड, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा संभव होगी, और मुंबई पुणे के बीच यह यात्रा महज 14 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। देखें हाइपरलूप होता क्या है, हाइपरलूप टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की रचना है, जिन्होंने संस्थापक इसके कौन है, एलन मस्क साहब, इन्होंने इसको डिस्कवर किया है, जिन्होंने वर्ष 2013 में हाइपरलूप की डिज़ाइन कर दुनिया के सामने लाया था। हाइपरलूप एक ट्यूब ट्रांसपोर्ट प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, इसमें खंभों के ऊपर एलिवेटेड ट्यूब बिछाई जाती है, इसके भीतर बुलेट जैसी आकार की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरती हुई चलती है। तो ये हमारी हाइपरलूप है। पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया है, मोदी द्वारा मैसूर से उदयपुर चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया गया। पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत मैसूर टू उदयपुर के लिए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2018 को मैसूर से राजस्थान के उदयपुर तक चलने वाली पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को मैसूर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हावड़ा पुल जो पश्चिम बंगाल में है इसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए और 1943 में ये निर्मित हुआ था हावड़ा ब्रिज। स्वजल कार्यक्रम राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम जो है उसमें यह चलाया जा रहा है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने 20 फरवरी 2018 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्वजल नामक एक राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तराखंड सहित देश के 6 राज्यों में लागू होगा, जिसे पायलट आधार पर चुना जाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोनार सिस्टम एंड सेंसर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोनार सिस्टम एंड सेंसर्स ये कोच्चि में आयोजित, केरल का जो कोच्चि शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटनकर्ता हमारे इसरो के सिवान साहब थे, के सिवान ने इसका उद्घाटन किया था।
विश्व सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन WCIT हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि जो थे रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद हमारे मंत्री जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, और मुख्य आकर्षण जो इसका था सोफिया। सोफिया क्या है? सऊदी अरब का ये जो है रोबोट है सोफिया, जिसको वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर सुजवाना आर्मी कैंप पर हमला हुआ था 10 फरवरी को, बहुत ही फेमस रहा था सुजवाना आर्मी कैंप पर हमला 10 फरवरी। कई बार UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार पूछा था कि टेररिस्ट एक आया था और उसका रूट पूछ लिया था कहां से कहां आया, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। डेट भी पूछी जा चुकी है एक बार, जो हमला हुआ था उसकी डेट बाकायदा इन्होंने पूछी थी। तो सुजवान आर्मी कैंप पर हमला कब हुआ ये पूछ सकते हैं, 10 फरवरी को हुआ था। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें बताया गया है कि समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान केरल का है। और अगर हम UT की बात करें तो लक्षद्वीप है। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर झारखंड, बड़े राज्यों में झारखंड नंबर 1 पर है और छोटे राज्यों में मणिपुर नंबर 1 पे है, और लक्षद्वीप इसमें भी प्रथम नंबर पे आता है UT में। मिनीमाटा समझौते को मंजूरी दी गई है 7 फरवरी 2018 को। मिनीमाटा समझौते को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी 2018 को पारे पर मिनीमाटा समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी गई। पारा यौगिकों सहित पारा आधारित उत्पादों और प्रक्रियाओं के लगातार उपयोग से संबंध में 2025 तक की छूट प्राप्त हो जाएगी। इससे भारत द्वारा मिनीमाटा कन्वेंशन पर 30 सितंबर 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा अब कैबिनेट द्वारा इसके अनुसमर्थन के बाद भारत इस संधि का पक्षकार देश बन जाएगा। तो ये मिनीमाटा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने और उसका अनुसमर्थन भी कर दिया है हमारी पार्लियामेंट ने। इसके बाद देखें ये MPLADS योजना की कार्यवधि बढ़ाई गई है 2020 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने 10 जनवरी 2018 को सांसद क्षेत्रीय विकास निधि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS को 14वें वित्त आयोग की कार्यावधि यानी 31 मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। तो इसकी कार्यावधि बढ़ा दी गई है 2020 तक। अब हम कुछ और इसे देख लेते हैं। इसके ये असर 2017 रिपोर्ट आई है, ASER असर 2017 बियॉन्ड बेसिक्स। 12वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2017 बियॉन्ड बेसिक्स का नई दिल्ली में 16 जनवरी 2018 को लोकार्पण किया गया। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर किसी NGO द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है तथा इसे प्रथम नामक NGO द्वारा वर्ष 2005 से आयोजित किया जा रहा है। जो असर रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? प्रथम नामक NGO जारी करता है। ये भी आपके लिए GS का क्वेश्चन है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट बच्चों के स्कूल में नामांकन और बुनियादी पढ़ने व गणित करने की क्षमता के बारे में सूचित करती है। वर्ष 2006 से असर रिपोर्ट 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है, परंतु असर 2017 में पहली बार 14 से 18 आयु वर्ग के किशोरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो प्रारंभिक शिक्षण की आयु को पार कर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 86% युवा औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या कॉलेज में नामांकित हैं। मतलब 14 से 18 वर्ष के आयु के लगभग 86% युवा नॉमिनेटेड हैं किसी ना किसी औपचारिक शिक्षा प्रणाली से। और कितने बच्चे हैं? 14% ऐसे लोग अभी भी हैं जो नॉमिनेटेड नहीं हैं। तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, 14% बहुत बड़ी संख्या होती है। देखिए इसमें गलती से 84 लिख गया है और 84 की जगह ये 86 है, 86% है। और 42% युवा 14 से 18 वर्ष के जो हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा भी आंकड़ा आया है। और 49% लड़कों में इंटरनेट का
उपयोग कभी नहीं किया है। 49% मतलब आधे लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरनेट यूज़ नहीं किया है अभी तक। हालांकि अब धीरे धीरे बहुत जल्द बढ़ रहा है धीरे धीरे ये ग्राफ, और गांव में हर जगह पर लोग यूज़ कर रहे हैं, लड़के लड़कियां सभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 49% ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग नहीं किया। 76% लड़कियों ने इंटरनेट का उपयोग नहीं किया, लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब 8 करोड़ का लक्ष्य है, पहले 5 करोड़ का था, इसको बढ़ा के 8 करोड़ का लक्ष्य रख दिया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2017 जारी किया गया, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक, और भारत को इस सूचकांक में 32वां स्थान मिला है, 10 अंक का नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ लोकतंत्र पहले अच्छा था और अभी नुकसान हो गया है। भारत का स्थान 32वां है, नॉर्वे का प्रथम स्थान है, उत्तर कोरिया का अंतिम स्थान है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 31 जनवरी 2018 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान फिसलकर 42वें स्थान पर हो गया है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, पहले 32 था और अभी हमारा 42 हो गया है, 42वां स्थान है हमारा। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। भारत कौशल रिपोर्ट, रोजगार प्राप्त युवा कितने हैं, 45.60%। भारत कौशल रिपोर्ट आई है और जिसके अनुसार रोजगार प्राप्त युवा 45.60% हैं। राष्ट्रीय शहरी आवास कोष NUHF का गठन किया गया है और 60,000 करोड़ रुपए से इसका गठन किया गया है। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पश्चिमी एशिया यात्रा संपन्न हुई, पहले फिलिस्तीन गए और यहाँ पर इनको ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया। बेनू शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात गए और वहाँ पे ओपरा हाउस में भारतीय लोगों के बीच पहुँचे और बड़ी तादाद में मोदी का इस्तकबाल किया गया वहाँ पर भारतीयों के द्वारा। अल वाकबा अबू धाबी राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। अल वाकबा में मंदिर निर्माण का अनावरण किया और ये मंदिर निर्माण जो हो रहा है वो इस्कॉन संस्था द्वारा किया जा रहा है। विश्व सरकार सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व सरकार सम्मेलन दुबई में, इसमें भी भाग लिया मोदी साहब ने। भारत अतिथि देश था और इसी के साथ वाहद अल करमा वार मेमोरियल का भी दौरा मोदी साहब ने किया। तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया मोदी ने। फिर उसके बाद ओमान चले गए और ओमान में अल डंकम पोर्ट व ड्राई डॉक संबंधी समझौता सहित कुल 8 समझौते किए और मोतीश्वर मंदिर व सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा किया। मोतीश्वर मंदिर कहाँ है, ओमान में है, और वहीं पर सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद भी है, वहाँ पर भी इन्होंने दौरा किया। ईरानी राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ, हैदराबाद से इन्होंने शुरुआत की, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूज़ियम, गोलकुंडा फोर्ट, कुतुब शाही मकबरा का दौरा किया। दोहरा कराधान निवारण समझौता DTAA तथा राजकोषीय चोरी प्रत्यर्पण संधि चाहबार बंदरगाह के फेज 1 और शाहिद बेहजी बंदरगाह के पट्टे आदि से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर हुए। भारत अब ईरानी बुनियादी और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में रुपए में निवेश कर सकेगा। भारत को छूट दी गई है कि ईरान की जो बुनियादी और कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, उसमें रुपए में निवेश कर सकता है। मालदीव संकट, मालदीव में आपातकाल लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 फरवरी को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित 12 राजनीतिक बंदियों को रिहाई और 12 सांसदों की फिर से बहाली का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद राजनीतिक संकट गहरा गया और पहले 15 दिन के लिए आपातकाल लागू किया गया, उसके बाद इसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। जमात उद दावा तथा लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों
को बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है 12 फरवरी को। ये दोनों संगठन हाफिज़ सईद के संगठन थे, हाफिज़ सईद के संगठन थे जमातुद्दावा और दूसरा जो है लश्कर ए तैयबा। इनको पाकिस्तान सरकार के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और सैन्य उपयोग हेतु सेशल्स का एजम्पशन द्वीप 20 वर्षों के लिए समझौता किया गया है, भारत ने लिया इसको। सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा इसमें और अन्य द्वीप समझौते जो हैं अगलेगा मॉरिशस के साथ समझौता है, अल्डकम ये बंदरगाह ओमान के साथ समझौता हुआ और चांगी सिंगापुर के साथ समझौता हुआ है। ये सारे समझौते भारत सरकार ने किए हैं, अगलेगा मॉरिशस का है, अल्डकम बंदरगाह ओमान का है और चांगी सिंगापुर के है। ट्विडिम जंग बांध, ट्विडिम जोंग बांध ये त्विजेम नदी है म्यांमार की और वहाँ पर बनाया जा रहा है। भारत को इस पर आपत्ति है, क्यों? क्योंकि मणिपुर का जो चंदेल जिला है यहाँ के लोग इससे प्रभावित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सीमा रेखा से 150 मीटर दूरी तक नो मैंस लैंड में सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई और 8 दिवसीय यात्रा थी, आगरा गए, अहमदाबाद गए, अमृतसर गए और भी कई सारे शहरों का भ्रमण किया। IIM अहमदाबाद में व्याख्यान भी दिया था और इनको मोदी सरकार ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। पेट्रो क्रिप्टो करेंसी को वेनेजुएला द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है, वैश्विक संपदा सूचकांक इसको जारी किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है और भारत की रैंकिंग 50 देशों में 44वीं है और पहले 43वीं थी, मतलब एक अंक का इजाफा हुआ है इसमें। भारत की रैंकिंग 44वीं है। कोयला खदानें निजी क्षेत्र के लिए भी खोली गई हैं। पहले क्या होता था कि CIL द्वारा अभी तक 80% कोयले का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब कोयला खदानें निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दी गई हैं। RBI के द्वारा मालेगांव पैनल का गठन किया गया है, और इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के खराब ऋण धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों तथा ऑडिट की निगरानी के लिए 4 फरवरी 2018 में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य YH मालेगांव के अधीन एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। OVL द्वारा UAE तेल कंपनी में 10% की हिस्सेदारी खरीदी गई। 17 राज्यों में कम हुआ लिंगानुपात, लिंगानुपात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है और नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 बड़े राज्यों में 17 में जन्म के समय लिंगानुपात SRB में गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है 53, हरियाणा में 35, उत्तराखंड में 27 और उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है, +10 की बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। विश्व व्यापार संगठन अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स के बाद वाणिज्य विभाग एवं WTO द्वारा दिल्ली में चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO की जो बैठक थी, सालाना बैठक जो होती है, वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित की गई थी। उसके बाद इसकी एक चिंतन बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। कृषि डेक्स सूचकांक जारी किया गया है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए सिडबी व क्रिसिल द्वारा विकसित पहला सेंटीमेंट इंडेक्स है कृषि डेक्स। ये चूँकि क्रिसिल और सिडबी के द्वारा जारी किया गया है, इसी वजह से इसका नाम कृषि डेक्स है। और ये किसके लिए जारी किया गया? लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए, स्मॉल एवं माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जारी किया गया है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 जारी की गई है। 131 अरब पतियों के साथ भारत विश्व में तीसरे पायदान पर है। भारत में कितने अरब पति? 131 अरब पतियों के साथ भारत विश्व में तीसरे पायदान पर है। नंबर वन पे जेफ बेजोस हैं अमेजॉन के और वारेन बफेट साहब दूसरे पे हैं और बिल गेट्स साहब तीसरे पे हैं। ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार तीसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स और मुकेश अंबानी 19वां नंबर है और 149वां सावित्री जिंदल का है। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत विजेता बन गया है। न्यूजीलैंड में आयोजित
भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, मतलब फाइनल जो मैच हुआ था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और चौथी बार भारत विजेता बना है। कोच राहुल द्रविड़ थे, कप्तान पृथ्वी शाह थे, पृथ्वी शाह। दक्षिण अफ्रीका भारत ओडीआई श्रृंखला जनवरी 2018 में आयोजित की गई, भारत 5-1 से इस श्रृंखला जीता था, ओडीआई श्रृंखला। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली को मिला था और 35वां शतक लगाकर अविजित 129 रन बनाए थे कोहली साहब ने और 200 ओडीआई मैचों में कुल 9500 रन का रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने। भारत दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 श्रृंखला का आयोजन हुआ और भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिताली राज को मिला था, जो कैप्टन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 श्रृंखला भारत 2-1 से जीता, भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द सीरीज दी गई भुवनेश्वर कुमार को। भारत दक्षिण अफ्रीका के जो मैच हुए हैं तो टेस्ट मैच हुआ, ओडीआई हुआ और टी20 हुआ। टेस्ट मैच अफ्रीका विजयी रहा, ओडीआई भारत और टी20 भी भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन पुरुष एकल पी कश्यप ने जीता। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2018 महिला एकल का झांग विवेन ने पीवी सिंधु को हराकर जीता और पुरुष एकल सी युकी ने जीता। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हुआ था और भारतीय दल से 2 खिलाड़ी गए थे, शिवा कैसवन ल्यूक स्पर्धा में और जगदीश सिंह स्कीइंग स्पर्धा में गए थे। अगला आयोजन टोक्यो 2020 में होगा जापान में। अरुणा बुड्ढा रेड्डी ये जिम्नास्ट विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनी हैं। जिम्नास्ट में कोई पदक जीतने वाली ये पहली महिला बनी है, अरुणा बुड्ढा रेड्डी। झूलन गोस्वामी ओडीआई में 200 विकेट लेने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। इंदिरा नुई आईसीसी बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बन गई हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई एफएसआई के द्वारा, रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से ये जारी की गई। वन एवं वृक्षावरण वृद्धि हुई है वो 24.4% और किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 8081 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वन वृद्धि जो है 21.54% हुई है और 6,778 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य ये आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरला है। सर्वाधिक कमी वाले राज्य मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल वनों का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। सी जी उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण जो है 7.33% है। प्रतिशत के अनुसार राज्य और यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है और फिर अंडमान निकोबार है। प्रतिशत के अनुसार राज्य या यूटी की बात करें, टोटल चाहे राज्य हो या यूटी, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कच्छ वनस्पति देख लेते हैं, वृद्धि जो हुई है वो 181 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, गुजरात नंबर सेकेंड पे है, नंबर थर्ड पे अंडमान निकोबार है और नंबर फोर्थ पे आंध्र प्रदेश है। तो ये कच्छ वनस्पति मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट 2017 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। कुल देश 180 हैं। फर्स्ट पे जो सबसे कम भ्रष्ट है वो न्यूजीलैंड है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा फिनलैंड है और लास्ट जो सबसे करप्ट कंट्री है वो सोमालिया है। सोमालिया देखा होगा समुद्री लुटेरे, सोमालिया तो वहाँ लुटेरे हैं तो भ्रष्ट तो होगा। भारत का 81, भारत की पोजीशन आप देखें तो 81 है। सारस विमान, हल्के और घातक मालवाहक विमान का परीक्षण किया गया। सारस विमान क्या है, हल्के और घातक मालवाहक विमान है। रुस्तम 2 ड्रोन ये मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम। UAV का DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मेजबानी करेगा भारत।
थीम इसकी होगी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रयोगशाला में मानव अंडाणु का विकास किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के द्वारा। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया हरियाणा ने कृषि उत्पादकता व किसानों की आय बढ़ाने के लिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। 18 फरवरी को आधारशिला रखी गई है इसकी। आधार शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2017 का हिंदी वर्ड आधार को माना गया है। भूटान द्वारा वाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है गुवाहाटी में। भूटान के द्वारा, भूटान से थोड़ी दूर पर पड़ता है गुवाहाटी, तो वहीं पे स्थापित कर दिया गया दूतावास, वाणिज्य दूतावास। लॉरेट स्पोर्ट्स पुरस्कार 2018 दिए गए हैं। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर रोजर फेडरर को दिया गया, 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सेरेना विलियम्स को दिया गया है। और मिलन नौसेना अभ्यास ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था और इसमें 23 देशों ने भाग लिया था। मिलन नौसेना अभ्यास इसमें श्रीलंका और मालदीव ने भाग नहीं लिया था। इसके साथ ये अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।